أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر بے شک وہ سچے نبی تھے جب اپنے والد سے کہا اے میرے والد تو کیوں پوچھتا ہے ایسے کو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکے اے میرے والد بے شک مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں تو آپ میری تابعداری کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کر بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اے میرے والد بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے پھر شیطان کے ساتھی ہو جاؤ
कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अलबत्ता अगर तू बाज ना आया, मैं तुझे संसार कर दूंगा और मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा। कहा, तेरी सलामती रहे, अब मैं अपने रब से तेरी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा, और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर हजार महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं और अपने रब के हुक्म से हर काम पर, वो सुबह रोशन होने तक सलामती की रात है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मैं अरवाज़ खान प्रोग्राम रमज़ान शादमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 28 रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरा, जिसकी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ्वन तुहिब्बुल अफ्वा फाफू अन्ना, जिसका मफहूम है, ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है, बस तू हमें मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हम इंसान गुनहगार हैं, खताबार हैं, कसूरवार हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, बस तू हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, हम पर अपना रहमो करम नाजिल फरमा दे। इस वक्त फलस्तीन के मुसलमान जिस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर के निहत्ते मुसलमान हैं उनके साथ जो बर्बरियत हो रही है, ए खुदा, इस माह रमज़ान और मुबारक के सदके, अपने हबीब पाक के सदके, हम पर अपना रहम और करम नाजिल फरमा दे। हम तेरी रहमत के बगैर कुछ भी नहीं, हमें हमेशा तेरी रहमत का आसरा है। ए अल्लाह, ये जो वबा हम पर मुसल्लत है, हमें इससे निजात दिला दे। ज़मीन को फिर से इज़्ने रख से ज़िंदगी का दान दे। ए खुदा, तू हमारी ये दुआ कबूल फरमा ले। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, 1887 स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नामी एक किसान था। वो एक दिन अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहा था कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो देखा कि एक दलदल में एक बच्चा फंसा हुआ है। उसने भागकर उस बच्चे को वहां से निकाला, उसकी जान बचाई और उसको उसके घर भेज दिया। दूसरे दिन जब वो अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहा था तो उसके झोंपड़े के सामने एक बड़ी रॉयल गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उस वक्त के जो लैंडलॉर्ड थे, रैंडॉल्फ चर्चिल, वो उतरे और आकर फ्लेमिंग से कहा कि कल तुमने जिस बच्चे की जान बचाई थी वो मेरा बच्चा है, बताओ मैं तुम्हें उसके इवज कुछ देना चाहता हूं, तुम्हें क्या चाहिए? तो फ्लेमिंग ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो मैंने इंसानियत के तकाजे की खातिर ऐसा किया और उसकी जान बचाई। बहरहाल चर्चिल जो थे वो बजिद थे और कहने लगे कि नहीं, मुझे तुम्हें कुछ देना है, बताओ क्या चाहिए। इतने में फ्लेमिंग के झोपड़े से एक बच्चा भाग कर आया। उसने देखा और पूछा कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है? उसने कहा हाँ। तो चर्चिल ने कहा कि ठीक है, आज के बाद तुम्हारा बच्चा भी वहीं पढ़ेगा जहां पर मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो उस बच्चे को उस वक्त लंदन के सेंट मेरीज मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया गया। तो जानते हैं नाजरीन कि बड़ा होकर वो बच्चा कौन बना? वो बना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने 28 सितंबर 1928 को दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन दरियाफ्त की। 1945 में उसे मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी दिया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हजारों सैकड़ों लोग जो जख्मी हुए, जो बीमार हुए,
उन्हें पेंसिलीन से शफा मिली। यही नहीं, उस फ्लेमिंग जिसने इस बच्चे को बचाया था, उसके बच्चे को नमूनिया हुआ, चर्चल के बच्चे को, तो उसे भी उसी पेंसिलीन की वजह से सेहत मिली। और आगे चलकर वो दो मर्तबा यूके का प्राइम मिनिस्टर बना और उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। नाजरीन, इस पूरी कहानी का मॉरल सिर्फ यह है कि जो अच्छाई है, भलाई है, वो पलट कर वापस आती है। आप जब अच्छा काम करते हैं तो दुनिया में भी आपको उसका सिला मिलता है और आखिरत में यकीनन अल्लाह भी आपको उसका सिला देगा। लिहाजा अच्छाई कीजिए, अच्छे का सिला आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। प्रोग्राम उसी तरह है जिस तरह हमारा कल का प्रोग्राम था, उसकी तरतीब वैसी ही है। आज हम आपसे दो सवालात पूछेंगे। पहले सवाल का सही जवाब देने वाले को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर सफा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंस एंड मॉल की जानिब से, और जो हमारा दूसरा सवाल है उसका सही जवाब देने वाले खुशनसीब को मिलेगा एक बम्पर प्राइस, और वो है हमारी ये मोटरसाइकिल। और ये मोटरसाइकिल भेजी गई है हबीब कुकिंग ऑयल वालों की जानिब से। तो मैं आपके सामने पहला सवाल रखता हूं। पहला सवाल है कि जी, कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस हुक्म की ताईद की गई है? मैं सवाल दोहरा देता हूं, कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस हुक्म की ताईद की गई है? आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर, हमें आपके जवाबात का इंतजार है। हो सकता है जीतने वाले खुशनसीब आप ही हों। नाजरीन, रमजान मुबारक विदा हो रहा है, कुछ ही दिनों में हमसे विदा हो जाएगा और यकीनन हमें बहुत याद आएगी इस रहमतों की, इन बरकतों की, इन साहतों की। लेकिन अल्लाह करे कि ये रहमतें ये बरकतें इसी तरह सारा साल हम पर बरसती रहें। प्रोग्राम में मेहमान आएंगे, आपकी कॉल्स होंगी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगी, और आखिर में हम कहाँ जाते हैं आप सबको पता है, अपने किचन में अहमद शेर भाई के पास, और चलकर आज उनसे पूछते हैं कि आज उनके पास हमारे लिए क्या है। आज कश्मीर कुकिंग ऑयल में 2800 रोज़ा है और कल 2900 कुछ दिन रह गए, तो मैंने कहा क्यों ना आज चना पुलाव, चिकन चना पुलाव जो है वो खाया जाए। तो कश्मीर कुकिंग ऑयल हमारे स्पॉन्सर है, उनका कहना यह है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से फ्री है, आप इसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टीनेंटल किसी किस्म की भी डिशेज़ बना सकते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे चिकन चना पुलाव और साथ में उसके साथ ग्रीन सैलेड होगी, और फिर दूसरे हमारे साथ जो स्पॉन्सर है वो अलमोइस फूड है। अलमोइस फूड का जो गुड़ है वो हमारे स्पॉन्सर है, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाया गया गुड़ और पैक किया गया है, जो कि बच्चों, बड़ों, सबके लिए बेहतरीन है। ताज़ा गन्ने के रस से तैयार किया गया है और आप मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात बना सकते हैं इससे, आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज इसे बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ये कुव्वत मुदाफ़ियत आपका बढ़ाता है, आपको देर पा एनर्जी देता है, तो लिहाजा आप इस्तेमाल करते हैं। हाजमे में बहुत अच्छा काम करता है और सौंफ के जायके में भी है, तो इससे गुड़ वाली खीर भी बनेगी। क्या बात है सर, ठीक। बस आप, मैंने कहा ना, आपको देखकर हमें एनर्जी मिलती है और आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और क्यों ना अच्छी लगे जी, ये हैं ही अच्छे कि हाथ में इतना टेस्ट है जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का इंट्रो हो गया और मेरा ख्याल है कि हमारे कॉलर हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर और प्रोग्राम का। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरबाज भाई? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइए। राबिया आसिफ कराची से बात कर रही हूँ, आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। जी माशाल्लाह, बिल्कुल। अरबाज भाई, सवाल का जवाब देना था जी प्लीज। कुरान पाक में सबसे ज्यादा जो नमाज है ना, उसका हुक्म आया है 700 मरतबा तकरीबन। अच्छा, ठीक है, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है और आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं कि कौन है विनर। और दूसरा सवाल भी आपने सुना है? अच्छा सॉरी, वो तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ सॉरी कि जो है ना, दूसरा सवाल हम आपको कुछ देर के बाद इस सवाल के जवाब आने के बाद बताएंगे, और वो है बम्पर प्राइस के लिए, तो उसमें लाजमी आप पार्टिसिपेट कीजिएगा।
नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, तो मिलते हैं वक्फे के बाद। शामदीद कहते हैं K2 टेलीविजन की रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे अपना पहला सवाल पूछा, एक कॉल भी हमारे पास आ गई, हमने वो जवाब भी नोट फरमा लिया है। तो आज हमारे पास दो सवाल हैं, मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ, और जो दूसरे सवाल का जो सही जवाब देने वाला खुशनसीब होगा उसे मिलेगा हमारा बम्पर प्राइज हबीब कुकिंग ऑयल की जानिब से ये मोटरसाइकिल। तो जल्दी कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है। और ब्रेक के दौरान हमारे मेहमान आ चुके हैं, तो मैं आपसे उनका तारुफ कराता चलूं। हमारे पहले जो मेहमान हैं ये हैं खतीब मरकज़ी जामिया मस्जिद तरमरी इस्लामाबाद, मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, जामिया मस्जिद के खतीब हैं मुफ्ती फारूक अजमत साहब, और डिस्ट्रिक्ट खतीब रावलपिंडी मौलाना हाफिज मोहम्मद इकबाल रिज़वी। सर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने शो में। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे शुरू करते हैं सर, रमज़ान मुबारक, आखिरी अशरा, ईद भी आ रही है, कोविड भी है, SOPs भी करने हैं, जुम्मा भी अपना नमाज भी ईद की पढ़नी है, तो क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ये बरकतों रहमतों अज़मतों वाला महीना, हमसे जुदा होने की अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर इबादात, कुरान की तिलावत और दीगर मामलात, और हमारी आवाम ने SOP पर अमल करते हुए रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारा। चूँकि ईद करीब आ रही है और ईद के मौके पर हमें मज़ीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, चूँकि ये कोरोना जो एक मौज़ी मर्द और हमारे इस इस्लाम के मामलात में बहुत सारे मुदाखलत और बहुत सारे मामलात हैं, इसकी वजह से हम सही महीनों के अंदर वो इबादत जो हमें सही महीनों के अंदर करनी चाहिए वो नहीं कर सके, क्योंकि एक तो इसकी वजह से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या बनेगा क्या होगा, बहुत सारे मरीज़ अस्पतालों में आ रहे हैं, बहुत सारी डेथ हो रही हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो हदायात हमें दी गई हैं और हमारे उलमाए कराम ने, मुफ्तियान निज़ाम ने जो एहतियाती तदाबीर के, जी जब मस्जिद में आएँ वज़ू घर से करके आएँ, मास्क पहन के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, और फिर सफ़ों के अंदर फैसला जो है वो लाजमी तौर पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मसाजिद के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। अब जो कि ईद करीब आ रही है तो ईद के मौके पर भी हमें ये चाहिए कि ईद के मौके पर ये हमारी खुशी का दिन है और बहुत बहुत बड़े इजमात होते हैं, तो जा नमाज घर से लेकर आएँ, और कोशिश करें खतीब हजरात भी कि टाइम के मुताबिक जो है वो जमात ईद की अदा हो जाए, ताकि लोग अपने जो ये फ़राइज़ मनसबी है हमारे ऊपर, ये ईद की नमाज वाजिब की गई है, वो अपने वक्त के मुताबिक अदा करके वापस SOP के मुताबिक अपने जाए मकाम पर पहुंच जाए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं और हम मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब फारूक अजमत साहब, सर ईद है और एक हमारी रवायात हैं, ईद होगी और गले नहीं मिलेंगे, कैसा लगता है सर? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले आपका और आपकी सारी टीम का बड़ा शुक्रिया, आपने रमज़ान के महीने में कुछ अच्छे बोल बोलने की हमें यहाँ पर मदु किया। सबसे पहली बात ये खान साहब के नेकी दो तरह की हैं, एक नेकी वो होती है जो हम अपनी ज़ात के लिए करते हैं और एक नेकी वो होती है जो हम माशरे के लिए करते हैं। चूँकि अब ईद करीब आ रही है तो इस्लाम तो हमें इसी चीज़ की रहनुमाई करता है, कुरान है, सरकार का फरमान है, वो यही कहता है कि रमज़ान में रोज़े रखे हैं, अपने लिए नमाज़ें भी पढ़ी हैं, सारा कुछ किया है। अब चूँकि ईद आ रही है और ईद ये है कि दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करना, असल तो ईद का मकसद ये है, तो कोशिश उसमें बंदा करे कि जो रमज़ान में अपने लिए नेकी की है, रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है, सैर अफ्तार किया है, अब उन लोगों को भी याद रखे कि जो नादार हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, और उसमें ये करे कि इंसान को ज़रूरी नहीं कि बंदा वो कहते हैं ना कि
इंसान मुस्कुरा कर बात करे तो वो भी सदका है। तो नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो है इंसान दूसरों को माफ़ी भी अता करे। अब ईद है, ईद पर जैसे आपने बात की कि जी हम गले मिलते हैं, हमारी एक रिवायत है, ये बड़ी अच्छी रिवायत है और कोरोना ने दुनिया को बेरौनक कर दिया। अल्लाह करे ये जो मर्ज है जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि दुनिया की रौनक लौट आए। एक बेरौनकी सी है ना हर जगह पर। तो कोशिश बंदा ये करे जिस तरह अलामा साहब ने, जो बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने एक बात बयान की है कि हम अगर एहतियात नहीं करेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। जिस तरह बार बार ऐलान हो रहा है, हर चौक से ऐलान हो रहा है, अब ये इसी तरह है कि कोई बंदा दवा खाए और साथ में परहेज़ ना करे तो उसका मर्ज कम नहीं होगा। हमें चाहिए कि नमाज ज़रूर पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें, लेकिन वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उनसे इज्तनाब कर लें। अगर कोशिश करें कि अगर वो नए कपड़े किसी ने नहीं ख़रीदे तो कोई मसला नहीं, पाक कपड़ों में नमाज अदा कर ले, उसके बाद दुआ कर ले, बंदा ईद हो जाती है बंदे की, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन जो जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमें कोशिश करनी चाहिए ईद के बाद सिर्फ सलाम पर इख्तिफा करें। दूर से सलाम कर ले बंदा, दूर से ईद मुबारक कह रहे, असल ईद तो उसकी है ना कि जिसने मुकम्मल रोज़े रखे, असल ईद तो उसकी है जिसने रमज़ान में गरीबों को याद किया, असल ईद तो उसकी है कि जिसने जिस तरह वो खुद से रिफ्तारी करता रहा, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करता रहा, असल ईद तो उसकी है कि जिस बंदे ने अगर पहले किसी से नाराज़ था तो रमज़ान में माफ़ी मांग ली, असल ईद तो उस बंदे की है कि जिसे कुरान नहीं आता था रमज़ान में शुरू कर लिया, असल ईद तो उस बंदे की है कि जो रमज़ान के अलावा सारा साल कुरान पढ़ता रहता है। हम देखें इस्लाम ने हमें इतनी बेहतरीन रहनुमाई दी है कि हमें दाएं बाएं देखने की इजाज़त है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह अभी आपने इंट्रोडक्शन करवाया जी बिल्कुल, ये जो आपने वाकया बयान किया है, अब देखें ना इसमें ये काम मुसलमानों के थे लेकिन कर वो लोग रहे। अगर हम करें, अगर वो करते हैं तो अल्लाह उन्हें दुनिया में सिला देता है, मुसलमान करेंगे तो दुनिया में भी सिला मिला, आखिरत भी आसान हो जाए। जी बिल्कुल जी, आप हमारे साथ हैं और हम आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। मीर इश्तियाक अहमद साहब, ईद उल फितर आ रही है और ईद की नमाज के हवाले से क्या उसके फ़ज़ाइल हैं और उसकी जो पाबंदी है उन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें तो ज़्यादा सवाब मिलता है, और रिगार्डिंग SOPs उस पर ज़रा सा कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। खान साहब, मैं अपने पेशरोज़ की बात को भी आगे बढ़ाऊँगा दोस्त अहबाब की, पैनलिस्ट की और आपके सवाल की तरफ भी। इस्लाम दीन मुजतमा है, दीन अफराद, फ़र्द का दीन नहीं है, ये सोसाइटी का दीन है, ये पूरी सोसाइटी की और पूरी की पूरी कम्यूनिटी की बात करता है, सिर्फ अफराद की नहीं। उसके अंदर आप देखेंगे कि इबादत के अंदर भी इज्तिमाईयत का तसव्वुर गालिब है, और इसी तरीके से जो अहकाम खुदाबंदी हैं उनके अंदर भी, और जो मैं दुआएं वगैरह सिखाई गई हैं, जो मुख्तलिफ आमाल हैं उसके अंदर भी इज्तिमाईयत का तसव्वुर है। उस इज्तिमाईयत के जो मुख्तलिफ मज़ाहिर होते हैं हमारी इबादत की सूरत में, उनमें से एक ईद का इज्तिमा है, उनमें से एक ये है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि इस्लाम रीजनिंग वाला मज़हब है, ये कोई अंधाधुंध चलने वाला कोई ऐसा मज़हब, कुछ झाड़ फूंक वाला नहीं है, बल्कि ये अकल को, मंतक को, रीज़न को, इस चीज़ को प्रायोरिटी देता है, और इसकी बाकायदा इसके अंदर एक वीडियो है। इन दो चीज़ों को मैंने इब्तदा में इसलिए अर्ज़ कर दिया कि एक आपने बात कर दी ईद की और दूसरी हालात की बात कर दी, तो दोनों को हम देखते हैं। जहाँ तक ईद का ताल्लुक है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ अहादीस में जो चीज़ बिखरी हुई है उसको आप उसका अगर जामे सा चंद सेंटेंसेस में उसको बयान करें तो वो ये है कि ईद की रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया और ईद के दिन को अजर मिलने का दिन कहा, इरशाद फरमाया गया है। फरमाया ईद वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को ज़मीन पर उतार देता है और वो सदा देते हैं कि लोगों अपने रब के करम और उसकी मेहरबानी की तरफ बढ़ो। और जब लोग ईदगाह का रुख करते हैं ईद पढ़ने के लिए, अल्लाह की बारगाह में एक इज्तिमा उनका इकट्ठा होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपने इनामात व इकरामात फरमाता है और लुत्फ़ व अनायत फरमाता है कि मुझसे बख्शिश मांगोगे, मुझसे आखरत मांगोगे तो मैं दूंगा, दुनिया मांगोगे तो तुम्हारी ज़रूरत और हालात के मुताबिक वो दूंगा। अल्लाह अज़ल क्यास वो तवील है, अल्लाह तआला फरिश्तों से पूछता है जब इज्तिमा इकट्ठा होता है कि ए फरिश्तों, जब कोई मजदूर मजदूरी कर चुके तो क्या करना चाहिए? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला उसकी पूरी पूरी मजदूरी देनी चाहिए। फरमाया इन्होंने तरावी पढ़ी, क़यामुल लैल किया, इन्होंने दिन में भूख प्यास बर्दाश्त की, आज इनको मैं उस इनके इन आमाल का अच्छा अजर दूंगा। ये तो वो चीज़ है जो हिडन है जी, नज़र नहीं आती, नादीदा है। लोग कहते हैं ठीक है
बसा औकात उलमा के तबका, मैं तो मुबतदी तालिबे इल्म हूँ, उलमा का तबका इस मामले में कुछ वो फजाइल बयान करते रहते हैं, ये फजाइल तो नज़र ना आने वाले चलें, वो जिसको उसका उससे पाला पड़ेगा उसको पता चलेंगे। अब रह गई बात कि इन ये जो फजीलत मिली है ना कि अल्लाह पाक इज्तिमाई तौर पर फरिश्तों को उतार कर अजर अता फरमाता है, ये ईद के इज्तिमा के साथ मखसूस है जी। दूसरा, उम्मत की वहदत और यगानगत की अलामत हमारा ईद का इज्तिमा है, यानी हज के इज्तिमा के बाद हमारा बड़ा इज्तिमा ईद का इज्तिमा होता है, ये सालाना हमारे इज्तिमा है। अब उसके उस इज्तिमा को हम किसी तौर पर भी यानी मुतासर नहीं कर सकते, उससे हम पीछे नहीं हट सकते, उसे छोड़ नहीं सकते। हालात अब का तकाजा ये है कि लोगों के दरमियान डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, दूर हों, एहतियाती तदाबीर जो कुछ भी एस ओ पीज का सुबह शाम हमें तालीमात दी जाती हैं और जो भी है उसका एक तसव्वुर, हम ये समझते हैं कि या तो मुआशरे के अंदर ऐसा खान साहब सख्त लॉकडाउन हो जाए कि फर्द फर्द से ऐसे ही दूर है जैसे मैं आपसे दूर बैठा हूँ, फिर तो ठीक है। अगर ऐसी दूरी और ऐसा अमल दरामद बाकी जगहों पे नहीं है तो मैं ये राइट नहीं मांग रहा कि मुझे भी इजाजत दें कि मैं जुड़ जाऊं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जगह जहां अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, जहां पर कम अज कम बंदा साफ पाक होकर आता है, नहा धोकर आता है, पूरी पाकिजगी तहारत के साथ आता है, वो मास्क पहने हुए आता है, वहां तो बगैर मास्क के भी बड़ी वी आई पी सिटिंग भी हमने देखी हैं और रफ्तारियां भी देखी हैं, वो सारा कुछ अगर वहां हल्की फुल्की वायलेशन को बर्दाश्त किया जा सकता है तो सालाना इज्तिमात को मुतासर ना किया जाए। मेरे उलमा सीनियर इस बात पर मुझसे इतफाक करेंगे कि ईद का इज्तिमा असल में खुले है ही खुले मैदानों में, तो गवर्नमेंट ऐसी जगह मुख्तस कर दे जहां बेशक एस ओ पीज के तहत लोग वक्फे पे खड़े हों, लेकिन बड़े बड़े इज्तिमात मुनक जब मखलूक खुदा इज्तमाई तौर पर इकट्ठी होकर तोबा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगी, इंशाल्लाह वबाएं भी टलेंगी और पाकिस्तान के मसाइल भी हल होंगे और हमारा जो कल्चर जिसकी तरफ आपने इशारा किया था वो भी मुतासर नहीं होगा। हम किसी ऐसे तरीके को बताने से तो रहे मिलने का जो किसी चैनल की स्क्रीन पर चल रहा था, हम वो तरीका तो मिलने का नहीं बताएंगे, ये कहेंगे मास्क डबल कर लें, ग्लव्स पहन लें, लेकिन मिलिए, इससे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें जी, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और जाहिर है एक रवायात चली आ रही है, एक कल्चर है, एक तमद्दन है कि ईद गले मिलने से है और एक एक मोहब्बत है, एक एक जो एक मोहब्बत का ही सिलसिला है ये बढ़ता है, तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया जी। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर हैं तो उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। अरबाज भाई क्या हाल हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना नाम बताइएगा। नाम अरीजा सुल्तान, कराची से बात कर रही हूँ। जी 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 बताइए, सवाल का जवाब देंगी आप? जी, सवाल का जवाब देने के लिए कुरान मजीद में सबसे ज्यादा नमाज की ताकीद की गई है। ठीक है जी, हमने जी आपका जवाब नोट कर लिया है और आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। जी तो नाज़रीन हमारे पास कॉलर्स भी आ रहे हैं और बड़ी मुफीद गुफ्तगू भी चल रही है और जनाब किचन में से वो खुशबू भी आना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता एक छोटे से, तो आ जाइए किचन की तरफ जाते जाते। सिर्फ ये जो हमारे पास अभी कीर देखे बन रही है, तो मेरे पास मुहेज़ घोड़ा है, इसके तकरीबन 5 से 6 पैकेट शामिल करूँगा, बाकी रेडी है। सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर दूध लिया, 1.5 लीटर दूध में मैंने सिर्फ 50 ग्राम जो मैश हुए चावल थे वो और 3 इलायची वो डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाया। पकाने के बाद बिल्कुल एंड में ये जो मेरे पास मुहेज़ घोड़ा है ये शामिल करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे मेरे मालिक, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे मेरे मालिक, तो जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे, जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई,
उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे, उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। मेरे मालिक तो जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे, कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे, कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। जज़ाकअल्लाह। नाज़ रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समात फरमाई और ये प्यारी सी आवाज़ थी हमारे नन्हे से कारी कासिम परवेज़ की। मेरा ख्याल है हमारे साथ एक कॉलर हैं तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट होगी कॉल। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना नाम बताइएगा। मैं कामरान बात कर रहा हूँ, सनवालाया डिस्ट्रिक्ट सनवालाया सिंह से। अच्छा अच्छा जी, क्या जवाब है आपके पास? अगर भाई पहले थोड़ी सी मेरी कंप्लेन है, ये नंबर बहुत बिजी रहता है जी। मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ, आज इस्तेमाल से लगा है, आधे आधे घंटे बिजी रहता है नंबर। अच्छा, हो सकता है आप जैसे और भी भाई हैं वो भी कॉल कर रहे हैं और आज जरा बम्पर प्राइस भी है हमारे पास, तो इसलिए शायद। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ ना, पीटीसी की सहूलत तो अवेलेबल है नहीं, तो अगर व्हाट्सएप का नंबर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहता। चलें कोई बात नहीं, कभी हो जाता है नेटवर्क में, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। बताइए आपके पास क्या जवाब है पहले सवाल का? सवाल रिपीट कीजिएगा। सवाल ये है कि जी कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस चीज की तायद की गई है? नमाज के बारे में बहुत ज्यादा ताकीद की गई कुरान पाक में। ठीक है जी, चलें जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी तो ये तो थे हमारे कॉलर और अब वक्त है जी हमारे दूसरे सवाल का, और इसके जो स्पॉन्सर्स हैं आई मीन के इसके जो विनर होंगे उन्हें एक बाइक दी जाएगी, और वो बाइक दी जाएगी हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वालों की जानिब से। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है कि कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताइए। मैं एक मरतबा फिर सवाल को दोहरा देता हूं कि कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर, हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। इकबाल रिजवी साहब, आज 28वां रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हो सकता है कि परसों ईद हो या जुमेरात को ईद होगी या जुम्मे को ईद होगी। अगर जुम्मे के दिन ईद होती है तो इस्लाम की रूह से जिस दिन दो खुतबे हों, अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन ईद उल फितर आती है तो उस हवाले से आप उस पर क्या रोशनी डालेंगे? ईद हमारा इस्लामी त्यौहार है और ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम नमाज ईद अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया, अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हमें लैलतुल कदर की रात दी, और फिर ये पूरा महीना हमने इबादत की हैं। और जैसा कि उलमाए कराम क़िबला तशरीफ़ फरमा है सारे हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये जो त्यौहार मनाया जाता था ये गलत कामों के अंदर रसूमात के अंदर, लेकिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये दिन मुख्तस किया, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर और ये सारे मामलात। तो ये चूँकि जुमा का दिन भी जो है ये सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है, और फिर ईद जो है ये भी हमारे इस्लामी त्यौहार है,
तो ये दो खुतबों का जो मामला है ये किसी किस्म के किसी चीज़ में ये नहीं मिलता कि दो खुतबे पढ़े जाएं या कोई ऐसा हुकूमत पर भारी होता है या ऐसा मामला होता है। ये तो हमने अल्लाह का जिक्र करना है भाई, अल्लाह की रजा के लिए सारा कुछ करना है, अल्लाह की शुक्र अदा करने के लिए सारा कुछ करना है। अच्छा, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा लेकिन आपने वो कर डाली, चलें कोई बात नहीं, मतलब ये एक रहमत ही है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो जुमेदुल मुबारक के दिन अगर ईद उल फितर होती है तो जुमा तो बहुत अफजल दिन है। फिर जैसा कि ईद है, वाले दिन हुक्म ये है कि आप ईद पढ़ने के लिए जब जाएं तो गुसल करके जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, खुशबू लगा कर जाएं, और जुमे का भी यही हुक्म है, जुमे वाले दिन भी यही सारा सिलसिला हमें करना होता है। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सादत वाली बात है कि दो जुमे दो मतलब खुतबे हमें मिल रहे हैं और दोनों जो है वो आला जी। बिल्कुल फारूक अजमत साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जी जो छोटी ईद होती है, ये जो ईद उल फितर होती है वो 3 दिन की होती है और जो बड़ी ईद है ईद उल अज़हा वो 4 दिन की होती है, तो ऐसा क्या एक परसेप्शन है, मतलब क्या 3 दिन ईद तो 1 दिन की होती है? असल में बात ये है कि जो अय्याम तशरीक हैं वो तो है ही हैं बिल्कुल, ईद को 3 दिन के साथ मुंसलिक इसीलिए करते हैं लोग क्योंकि इसमें असल ईद का मकसद ये है कि दूसरों को अपनी और अपनों को दूसरों की खुशियों में शरीक करना। असल में जो ईद उल फितर हम जो पहले दिन नमाज़ पढ़ते हैं फिर दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी, बहुत सारी चीज़ें मज़हब के साथ जिनका ताल्लुक होता है, बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक होता है माशरे के साथ या इलाके के साथ, ये एक तसव्वुर है। हमारे जो हमारा ये बरे सगीर पाक व हिंद है इसमें ये है कि बड़ी ईद का तो है कि तीसरे दिन शाम तक वक़्त वैसे भी है कुर्बानी का, ये तो मुसल्लम है इस्लाम से, लेकिन ये जो कहा जाता है कि जी मीठी ईद ये छोटी ईद इस तरह तीसरे दिन तक है, असल में अल्लाह करीम ने ना इन दिनों में इतनी बरकत रखी है कि इसके जो आगे दिन हैं जो पीछे दिन हैं अल्लाह उनमें भी बरकत अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत जब बरसती है ना, तो खान साहब आपने देखा होगा जब बारिश बरसती है तो बेनमाजी के घर भी उसी तरह बरसती है जिस तरह हाजी के घर बरसती है, रब्बुल आलमीन जो है या और रहमतुल आलमीन के सदके में सबको जब देता है। तो असल में ये जो दिन है ना ये साल बाद जब आता है तो ये दिन इतना बड़ा है कि इससे जो पहले दिन है इसके जो बाद दिन वाले दिन हैं अल्लाह ने सब में बरकतें अता फरमाई हैं। और अच्छा बरकत होती क्यों है, इसमें भी ये एक सोचने वाली बात है कि इसी दिन में कि जिस तरह अल्लामा साहब ने हवाला दिया ना कि अल्लाह पूछता है कि बताओ जब मजदूर मजदूरी मुकम्मल कर ले तो उसे क्या मिलता है, तो फरिश्तों ने कहा मालिक उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए, फरमाया तुम गवाह रहना मैंने सबको बख्श दिया है। अब वो फरिश्ते पूछते हैं वो मालिक के जिन्होंने रमज़ान तो पाया है लेकिन महरूम रह गए बीमारी की वजह से सफ़र की वजह से कैद थे या उनके साथ कोई ऐसा मामला था, तो रब फरमाता है तुम गवाह रहना इस दिन के सदके मैंने उन्हें उनकी मुश्किलों को भी हल फरमा दिया है। और ये दिन इतने बड़े, फिर जिस तरह अल्लामा साहब ने जो हवाला दिया ना ये बड़े एक पॉइंट की बात है कि इस्लाम से पहले 2 दिन मनाए जाते थे नौरोज़ और महरगान, ये 2 त्यौहार मनाए जाते थे। तो उनमें क्या होता था कि ऐसी रसूमात होती थी जो इंसानियत को जेब नहीं देती, जिन्हें करने में इंसान को शर्म महसूस होती है, लेकिन दुनिया का सबसे सीरियस जिसे कहते हैं मज़हब अल्लाह ने इस्लाम बनाया है। क्या है सबसे बड़ा जो खुशी का दिन है उसमें भी क्या है, फरमाया अपने रब के सामने सजदा करो, सबसे बड़ा खुशी का दिन जो है उसमें भी सजदा करना है। फिर इंसान के घर में सबसे बड़ी खुशी होती है बेटे की शादी है, उसमें भी क्या है, फरमाया पहले इस पर शुक्र करके बेटा दिया, फिर इस पर शुक्र करके उसे जवान किया, फिर इस पर शुक्र करके तुझे अल्लाह ने उसका फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाई। तो इस्लाम हमें ये सिखाता, चूँकि इस्लाम हर मामले में इंसान को जिस तरह वो कहते हैं ना कि मेच्योर बंदा है मेच्योरपन ये हमें बताता है, तो ईद वाला दिन भी है इससे पहले दिनों में भी बरकत है इसके बाद वाले दिनों में भी बरकत है, और इन ज़रूर हर बंदे को मुबारक ज़रूर देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ये लक कैसे कर आप कैसे हैं? अपना नाम बताइएगा। मैं सजाद मियांवाली से बात कर रहा हूं। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी आपने हमारा सवाल सुन लिया है? ये सुन लिया है। तो क्या जवाब है आपके पास? सूरह अलक। आपका जवाब है सूरह अलक? ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और प्रोग्राम के आखिर में हम बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हमारे उलमा हजरात भी हमारे से तशरीफ़ फरमा हैं और किचन में भी जनाब वो सिलसिला चल रहा है पकवान का।
तो हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम रमज़ान शादमान में, जो कि अरबाज़ खान के साथ आप देखते हैं मंडे से वेंसडे तक, और वैसे डेली देखते हैं। और अरबाज़ भाई बुलाव बिल्कुल रेडी हो गया और बाकी शायद मेरी एनर्जी डाउन। आप हंस क्यों रहे हैं मुझे पहले ये बताएं। मैं हंसा इसलिए हूँ कि दो बातें हैं, लेकिन सच बता देता हूँ। खीर बनी है तो ये खीर मैंने मोइस फूड के जुगड़े उसमें बनाई है, तो इसमें कुछ बच गई थी। तो जो छोटा बच्चा मुझे कहता है चीनी भी आपने डाली, मैंने कहा नहीं मैंने चेक नहीं किया ऐसे ही है। तो कहता है चले हम तो वैसे भी अफ्तारी के बाद खाएंगे, तो अगर मीठा कम भी हुआ तो और डाल लेंगे। वो भी बात मेरे जहन में आ रही है और मुझे हंसी आई उस बात पर। तो ये मैंने खीर बनाई है बादाम के साथ और गुड़ के साथ। आपको कैसे लगी वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम ज़िंदगी रही तो आप उसमें बताइएगा। और मोइस फूड का कहना ये है कि इनका गुड़ जो है वो अफजान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाया गया है और पैक किया गया है पाकिस्तान में पहली दफ़ा। ताज़ा गन्ने के रस से बनाया गया गुड़ है, और इसके अलावा इसमें आपको एनर्जी देता है, तवानाई फराहम करता है, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, हाजमे में बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो है आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। और दूसरी जो मेरे पास डिश है वो चना मुरख पुलाव जो है वो मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल में बनाई, और उसके लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया, चने लिए और राइस लिया और चिकन, और ये देखें पुलाव भी जो है वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है, और साथ में ग्रीन सैलेड। कश्मीर कुकिंग ऑयल का खाना है और हबीब कुकिंग ऑयल की बाइक है, और जनाब रमज़ानुल मुबारक है, बरकतें और रहमतें, और हमारे मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। अब हमें कॉल करें जी, हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है और इस बाइक को भी अपने विनर का इंतज़ार है। मेरे ख्याल है कि कॉलर है हमारे साथ, तो हम बात करते हैं उनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहब और कहाँ से? समुद्री से मौसम हो रहा है, शेख मौसम हो रहा है जी। समुद्री से फैसलाबाद से। अच्छा अच्छा, क्या हाल है जी आपके? ठीक है चले जी, अल्लाह ताला आपको ऐसे रखे। तो क्या जवाब है आपके पास? पहला तो जवाब नमाज थी, ठीक है, और दूसरा? दूसरा अल्लाह के सलाम गले मिले थे, सारी सूरत नाज़िल हुई है। सूरत का नाम बताइए। चलें ठीक है जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया और फिर हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इश्ताक साहब, ये हमारे किचन में सर आप देख रहे थे कि पकवान चल रहे हैं, और आज आपने इफ्तारी हमारे साथ ही करनी है, तो ये भी हमारे लिए एक सआदत है सर। अल्लाह आपको खुश रखे जी, आपकी हुस्ने मेज़बानी पर हम आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन यह कि जो कुछ अब तक उन्होंने गिनवाया है वो सब हम नहीं खाते। क्यों? पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पैनलिस्ट खाते होंगे, तो जो कुछ वो रख रहे हैं वो भी मेरे सामने जो कुछ इस वक्त है पेशे मंजर पे जो कुछ है उससे हम दूर हैं। हम बड़े कैलकुलेटेड से वो मेहमान हैं जी, और बड़ा सादा खाने वाले हैं, ताकि रमजान में हमने तरावी भी पढ़ानी है। हम इसमें तो ये सब भी सादा ही है, इसमें कोई ऐसी कोई नहीं, वो हमारे अपने हिसाब से है ना। मैंने कहा हमारी कैलकुलेशंस अपनी है, सादा दाल रोटी वाले बंदे, लेकिन अल्लाह इस दस्तरखान को इसलिए कायम व दायम रखे कि इसमें आप लोगों को के लिए खुशियों का और मुस्कुराहटों का बायस बनते हैं। लेकिन इस वक्त तक जब तक अफ्तार होता नहीं ना अरबाज़ भाई, उस वक्त तक ये है कि रोजेदारों के लिए आखिरी डेढ़ दो घंटे बड़े मुश्किल होते हैं। और सर वही तो, उसी का तो मजा है। जी जी, मजा तो है, बिल्कुल सही। देखें अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक गुजर गया और मौसम भी बड़ा ठंडा रहा, लेकिन मजा तभी है कि जब आपको प्यास लगी हो और पानी आपके सामने और आप सिर्फ अपने खुदा की रजा के लिए जो है ना वो आप उसका पानी उसका भरपूर आप इम्तिहान ले रहे हैं अपने पूरे स्टूडियो का, कि दरमियान में जनाब आपकी ये बीनी बीनी खुशबुएं खाने की भी आ रही हैं और वो पका भी रहे हैं। और बहुत सारे जगहों पर ऐसे भी हुआ अफ्तार ट्रांसमिशन में कि जो हमारे पूरे उस दो घंटे की ट्रांसमिशन के दौरान जो कुछ पकता रहा वो बाद में दस्तयाब नहीं होता दस्तरखान पे। अब आप ये ऑफर दे रहे हैं तो बड़ी बात है, अल्लाह करे ये ऐसा ही हो। अच्छा सर देखें, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा इतना इल्म नहीं है आप लोगों के मुकाबले में, लेकिन मैंने ये एक जगह एक सुना था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी बड़े
माशाल्लाह थोड़ा वो तंज व मजाक करते थे जी बिल्कुल फरमा। एक मरतबा एक खातून एक बुढ़िया खातून ने उनसे पूछा कि क्या जन्नत में बुढ़िया अभी मैं जाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बुढ़िया नहीं जाएगी, तो वो रो पड़ी। जी हां जी हां। फिर आपने फरमाया कि नहीं कोई भी बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान होकर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहलू पे जरा हमें कुछ बताइएगा कि जो आम जिंदगी में वो जब थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन वाला बात या थोड़ा सा तंज व मजाक के हवाले से जो देखें खान साहब, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फितरत के मुताबिक तशरीफ लाए हैं और आपने दीन भी दीन फितरत दिया है। इंसानी फितरत इस बात का तकाजा करती है, बहुत टाइटनेस, बहुत ज्यादा, यानी आप रिजिड किस्म के माहौल में इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसके लिए रिलैक्सेशन का तफरी का बंदोबस्त जब तक ना हो तो वो इंसान अपनी नेचर के मुताबिक जो उसकी वो है ना ग्रोथ, वो रुक जाएगी, नेचुरल ग्रोथ उसकी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की एक मज़ा तो आपने ये सुना दिया, मजाक नबी अलैहिस्सलाम के मजाक के लिए पैरामीटर्स जो हैं, हुदूद जो हैं, वो वही हैं कि जो आपकी शख्सियत के शायान शान है। यानी कोई बात भी सरकार ने फरमाया मोमिन की ये शान नहीं कि वो ला यानी और बेमकसद बातों में पड़े, तो खुद नबी पाक कैसे जा सकते थे। उनके मजाक के अंदर भी सबक होता था, किसी की तजलील का तजहीक का पहलू ना हो, किसी को डैमेज करने और उसको यानी एहसास कमतरी की तरफ धकेलने का पहलू ना हो, यानी किसी के अंदर कोई ऐब है तो वो ऐब ना बयान किया जाए। बल्कि एक मरतबा ऐसे ही दस्तरखान पर खजूरें खा रहे थे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खजूरें कर गुटलियां हजरत मौला अली के सामने रख दी और फरमाया अली इतनी खजूरें तुमने खाई हैं, ये नहीं फरमाया अली इतनी खजूरें खा गया है, यानी सवालिया अंदाज में ऐसे पूछा, वरना तो वो बात सच्ची ना रहती ना। और सादिकुल अमीन है और आप सच्चाई का मरकज़ और मावर हैं, तो आपने फरमाया अली इतनी खजूरें खा गए हो। इसी तरीके से वो बुढ़िया वाला मामला है, चंद दीगर भी आपकी सीरत तय्यबा से मजा के ऐसे पहलू मिलते हैं। ये तो हो गया मजा। इसके अलावा मस्जिद नबवी के सहन में कुश्तियाँ भी होती हैं, तीरंदाजी भी होती है, मश्क जो है इसकी जिहाद की या मुख्तलिफ जो उस वक्त के खेल थे, देखें ना ये तलवार चलाना और हथियारों का इस्तेमाल, नेजाबाजी करना, ये सिर्फ जंग के लिए ही नहीं, कुछ उस कौम के उनके क्या उसको कहते हैं आप सकाफती मशागल में से भी एक था, उनकी तहजीब भी एक थी। तो इन चीजों का भी मस्जिद नबवी के सहन में जनाब प्रैक्टिस होती है, मस्जिद नबवी के बाहर देखें होती है। ये इन पहलुओं पर हमने आज तक कभी कोई गौर नहीं किया। बिल्कुल आप वाली बात ना, मैं यही कह रहा था कि इतनी रिजिडनेस नहीं है हमारे मज़हब में जितनी के ये प्रमोट हो गई है, या पता नहीं एक मिसकंसेप्शन सा चला गया है। अक्सर बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा इस चीज से खौफजदा रहते हैं, इमाम मस्जिद से जो मौलाना हजरात हैं कि जी वो बड़ी सख्त तबीयत के होते हैं, अगर सिपारा नहीं सही पड़ा तो वो मारपीट भी कर देते हैं। वो सही है, मारपीट भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जरा एक लाइट सा आंसर भी होना चाहिए, पहलू होना चाहिए। जरा फ्रेंडली माहौल में भी अगर आप एक बात बच्चे को समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से। मैं इसको यूं कहूंगा, आपने एक अंदाज से फरमाया, मैं इसको यूं कहूंगा कि ये टाइटनेस और ये मोनोपोली अपने फील्ड के अंदर और अपने उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे होती है। हमारा शिकवा ये होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब भी तशरीफ फरमाए, मुफ्ती साहब भी, हमारा शिकवा ये होता है कि ये पिन पॉइंट कर दिया जाता है उलमा को या दीनी तबके को, हालांकि ये चीज़ें जो मकैनिक है वो जो सिखा रहा है वो तो जनाब वो लोहे के औजारों से मारता है, सारा कुछ करता है, लेकिन हम ये हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि मजहब वाले तबके की तरफ ये एतराज़ की उंगली इसलिए जाती है कि मजहब को सारे लोग अपना समझते हैं, बाकी फील्ड सब के अपने नहीं है। दीन चूंकि सब का अपना है तो उनको ये लगता है कि यार जितनी इजारादारी मौली साहब का बच्चा अगर मस्जिद में उसकी है उठने बैठने खेलने की, उतनी मेरे बच्चे को भी दे दी जाए या उतनी एक रिलैक्सेशन उसे मिल जाए। तो मेरे ख्याल में मस्जिद सोशल मरकज है, ये हमें याद रखना, एक कम्युनिटी सेंटर जी, कम्युनिटी जी। इसी पर कुछ आप भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए रिजवी साहब। किबला मीर साहब फरमा रहे थे कि बच्चों के मामले में हमारे बहुत सारे मस्जिद के अंदर ये होता है कि जी वो बच्चों को मस्जिद क्यों लाए हैं ना लाएँ। हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तरबियत है या आपका जो फरमान है वो ये है कि 7 साल जब बच्चा हो जाए तो उसको नमाज वालदैन की जिम्मेदारी है, तो वो नमाज तभी सीखेगा कि मस्जिद में आएगा, नमाजियों को देखेगा कि किस अंदाज के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर हुक्म यह है कि अगर 7 साल तक आप नमाज नहीं पढ़े, 10 साल आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि सख्ती से मारपीट कर ज़बरदस्ती उसको नमाज पढ़ाएँ ताकि वो शुरू ही से तरबियत हासिल कर ले। तो आज हमारी जो नौजवान नस्ल है ना जनाब, वो मसाजिद में आते हैं जी, शोर करते हैं, और जैसा कि हमारे SOP के मुताबिक है कि जी छोटे बच्चों को ना लाएं, ये एक बुनियादी नुक्ता उन्होंने रखा है। हाँ। लेकिन जो कि बच्चों की तरबियत शुरू ही से उसका एग्जैप्ट जब बन जाता है कि जनाब मैंने नमाज भी पढ़नी है, मैंने रोज़ा भी रखना है, मैंने कुरान की तलावत भी करनी है, और जब आपने हमारे किबला उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों की अकवाल मौजूद हैं
हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी को देख लें कि उनकी वालदा मोहतरमा जो थी वो हाफ़िज़े कुरान थी 15 बारों की, तो वो जनाब जब उनको दूध पिलाती थी तो वो साथ साथ कुरान पढ़ती थी और साथ साथ वो बच्चा दूध पी रहा था तो वो दूध पीते हुए बच्चे ने माँ का कुरान सुनकर कुरान को याद कर लिया, चक्की पीसती थी। तो आज क्या है कि आज हमारे बच्चे जो हैं इस कुरान की तालीम से दूर जा रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हम उन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी तालीमात पर अमल करते हुए, और आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया इस चीज़ से, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि बच्चों के साथ ज़्यादती ना करो, बच्चों को समझाओ। इसलिए हमें चाहिए कि हम चूँकि ये रमज़ान जो है ये गुजर रहा है और रमज़ान के अंदर हमारे नौजवान नस्ल नौजवान बच्चे छोटे बच्चे ये कोशिश करते हैं कि जी मस्जिद में आएँ अफ्तारी करें हालात को देखें मामलात को देखें, तो आज हमें चाहिए कि हम इस तरफ जो है ना वो बच्चों की तरबियत। माशाल्लाह जी बिल्कुल मजा फरमाया आपने। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबाज भाई कैसे हैं? आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और बहुत अरसे बाद आपसे बात हुई है इस शादमान रमज़ान के थ्रू में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत अच्छी ट्रांसमिशन करी आपने, और बहुत मैं पसंद करता हूँ आपको माशाल्लाह, बहुत अच्छे आप एक्टर भी, बहुत अच्छे हॉस्ट भी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत का। जी जवाब है आपके पास हमारे सवाल का। जी पहले सवाल का जवाब जो है वो नमाज है, और दूसरे सवाल का जवाब है सूरह अलक। ठीक है जी, हमने आपके दोनों जवाब नोट फरमा लिए हैं और आपको इंतजार करना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कि कौन है विनर और असल जवाब इसका क्या है। जी तो ये थे हमारे कॉलर। नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले मैं, क्योंकि मुफ्ती फारूक अजमत साहब को जाना है, तो हम आप ही से साइन ऑफ करते हैं, कोई थोड़ा बहुत आप भी अपनी जी अलावा साहब ने जो बात की नहीं मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। माशाल्लाह बड़ी सैर असल गुफ्तगू की। असल में बात ये बच्चों को जब हम लाते हैं ना, देखें अरबाज भाई हर इबादत का एक मकसद है, नमाज का एक मकसद है। बेसिकली हम नमाज पढ़ते क्यों? कुरान हमें कहता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर। नमाज हमें तमीज़ सिखाती है, सीधी सी बात है। अगर कोई पूछे भी किसी से कहे कि भाई नमाज क्यों पढ़ते हो, रज़ाए खुदा तो है ही है, मुसलमान का हर काम रज़ाए खुदाई के लिए होता है जो कुछ वो करें, लेकिन नमाज हमें तमीज़ सिखाती है। लेकिन तमीज़ वही सीखेगा जो बच्चा मस्जिद आएगा, उसे फिर बताया जाएगा। अब देखें ना कुरान ने कितना वाज़े बता दिया, इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, नमाज बेहयाई से भी और बुरे कामों से रोकती है। और ये चीज़ अगर बचपन में बच्चे को सिखाई जाए ना, तो वो फिर नेचर जाती है बच्चे की आखिर तक। और ये जिस तरह अहमद साहब ने बात की, तो हज़रत बाबा फरीद के पास एक माई आई और उसने कहा कि बाबा जी मेरा बच्चा ये शक्कर खाता है, इसे मना करें आप। तो आपने फरमाया कि बीबी इसको कल ले कर आना। तो वो वापस ले गई, दूसरे दिन फिर ले आई बच्चे को, तो दूसरे दिन फिर लाई तो उसने कहा बाबा जी हम कल लाए थे, बच्चा मेरा शक्कर खाता है, तो आप इसे मना करें। तो आपने फरमाया बच्चा शक्कर ना खाया कर। तो वो माई खुद रिवायत करती कहती है वो दिन है, और कहते हैं कि मरते दम तक उस बच्चे ने कभी शक्कर नहीं खाई। तो कहते हैं जब वो बाबा जी बात कर रहे थे ना, तो मैंने पूछा बाबा जी कल लाई थी तो ये बात कल ही कह देते। तो आपने फरमाया बीबी कल मैंने खुद शक्कर खाई थी, तो मैं इसे कैसे रोक सकता। अब बच्चों की तरबियत तब होगी ना जब माँ बाप खुद करें। जब अब हमारे यहाँ एक और भी मामला है कि जी माँ बाप लगे काम को, बच्चों को भगा देते जी चलो मस्जिद। अब वो जो मस्जिद गए ना, वो अगलों की नमाज भी ख़राब करते हैं। तो तरबियत ज़रूर होनी चाहिए। देखिए बात यह है, हम सारा कुछ इमाम पर डाल देते हैं जी, अजान भी इसने देनी है, नमाज भी इसने पढ़ानी है, सारा कुछ है। मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ नमाज हम पढ़ा के बाहर निकलते कह लोग कहते जी हमारी जूतियाँ गायब हो गई। मैंने कहा यार मैं तो आपसे भी आगे था, अब वहाँ से हम कैसे आपकी जूतियों को कंट्रोल कर से। बात ये सब कुछ उन पर नहीं डालना चाहिए। बच्चों की जो तरबियत है वो इस तरह करें कि वो खुद एक जिम्मेदार हो। अब कई बच्चे ऐसे हैं ना, मस्जिद में हर तरह के बच्चे आते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो सबको पता होता है कि भाई ये आ गया, ये अब दूसरों की नमाज जो है शैतान की ड्यूटी इसने करनी है अब, ठीक है। अब उससे सारे नमाजी भी कतराते यार ये पर ही होगी खलत है, ठीक है ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं माशाल्लाह, वो मस्जिद आते हैं, इमाम को भी पता होता है ये बच्चा है, ये फलां का बच्चा है, ये नमाजी है, फिर वो माशाल्लाह तिलावत भी करते हैं, सब कुछ सारा कुछ है। कोशिश ये करें बच्चे मस्जिद आएँ, लेकिन समझाना भी जिम्मेदारी है उन्हें, तमीज, क्योंकि नमाज का बेसिकली चीज़ तमीज़ है। अब बंदा 80 साल से नमाज पढ़ रहा, बोलने की तमीज़ नहीं है, इसका मतलब है नमाज तो ठीक है, उसकी नमाज पढ़ने में कमी है। एक बंदा हज कर आए, वापस आके एयरपोर्ट पे लड़ाई शुरू कर दे, आज तो ठीक है, इसका मतलब है उसके करने में कोई नुक्स रह गया है। तो हमें बेसिकली ये मकसद समझना चाहिए, नमाज बेसिकली
तमीज सिखाती है बंदे को, अल्लाह में समझने की तौफीक। जी बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मुफ्ती फारूक अजमत साहब आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपको जाना है तो आप हमारे साथ ही हैं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, तो हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं के टू टी वी की रमज़ान ट्रांसमिशन के इस खूबसूरत प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे दूसरा सवाल पूछा और उसके लिए हमारे कॉल्स भी आई, तो हमें मज़ीद इंतज़ार है कॉलर्स का। जी आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर, और हमें इंतज़ार है उस खुशनसीब विनर का जो कि जीतेगा आज का हमारा ये बम्पर प्राइज़ जो कि है हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वालों की जानिब से ये खूबसूरत मोटर बाइक। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने ये ज़िक्र किया था हमारे जो मेहमान थे उनके साथ भी कि ईद उल फितर आ रही है और उस हवाले से SOPs को किस तरह से मद्देनज़र रखना है। ईद के इज्तमात भी होंगे, नमाज की अदायगी भी होगी, फिर फितराने के हवाले से भी हमने बातचीत की, तो इसमें हमने ज़रा सोचा कि क्यों ना हम अपने पाकिस्तान के दूसरे शहरों का रुख करते हैं और वहाँ पर जो दूसरे हमारे जो उलमा हज़रात हैं, जो ख़तीब हैं, उनसे हमने पूछा है उनकी राय, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जनाब हमने रुख किया है पेशावर शहर का और वहाँ पर ख़तीब साहब हैं हमारे साथ, जामिया मस्जिद स्पिन जुमात के जनाब मौलाना एहतशामुल हक साहब, तो उनसे चलकर बात करते हैं। बात यह है कि रमज़ान के चंद दिन बाकी है, हमें चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़े, अल्लाहुम अजरना मिनन्नार पढ़े और रुजू इलल्लाह करे, यानी अल्लाह से तौबा मांगे, क्योंकि चंद दिन बाकी है, चंद लम्हे बाकी है, इसमें हर वक्त अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन, अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन हमारी ज़बान पर जारी हो जाएगा। अगर हमारे हाथ पाओ दूसरे काम करते हो, हमारी ज़ुबान अस्तग़फिरुल्लाह पर जारी हो कि हमारे यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे और हमारे नाम दाएँ हाथ में लिखे। इसलिए हमें चाहिए कि इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। जब इंशाल्लाह ईद उल फितर के ऐलान हो जाए तो हम यहाँ स्पिन जमात में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। 37 पर इंशाल्लाह ताला दी हमारे जमात होगी और हम IGP जो है मास्क पहनना और हाथ धोना और दरमियान में फासिला रखना ये हमारा मंशूर है। इंशाल्लाह हम दरमियान में फासिला रखेंगे, मास्क भी पहनेंगे और एक दूसरे से जुदाई फासिले में मस्जिद में आना है और मस्जिद से जाना है, एक तरफ आना है और दूसरी तरफ पर जाना है और रास्ते में इस्तग़फ़ार पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि सदक़ा फितर जो मालदारों पर वाजिब है उनको चाहिए कि गरीबों को सदक़ा फितर अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े करें, क्योंकि हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदारों में ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके वालिद फौत हो चुके हैं, वो यतीम हो चुके हैं, तो उनकी सरपरस्ती करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहिए। जब हम ईद नमाज के लिए आप मुसलमान भाई आते हैं तो ये कोशिश करें कि मास्क पहने। दूसरी बात यह है कि अपने हाथ को बार बार धोए और दरमियान में फासिला रखे, इकट्ठा मत आ जाए, और जब मस्जिद में आ जाए तो इंशाल्लाह हमारा मस्जिद बहुत बड़ा मस्जिद है तो दरमियान में 6 फुट के फासिला रखे और इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़े। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया मौलाना एहतशामुल हक साहब स्पिन जुमात पेशावर से ये अभी फरमा रहे थे और बिल्कुल बजा फरमाया, जिस तरह के आपने कहा कि हम SOPs को फॉलो करेंगे और करना भी चाहिए कि एक तरफ से एंट्री है और दूसरी तरफ से एग्ज़िट है, तो इससे भी जो है ना वो जो रश है, वो जो भीड़ है, उसमें भी थोड़ा सा फासला आएगा और हमारी कोशिश है कि हम जितना भी अपने आप को इस चीज़ से बचा सकें इस वबा से, तो अच्छी बात है। नाज़रीन इसके बाद हम चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी ख़तीब जामिया मोती मस्जिद के मौलाना खलील अहमद कासमी साहब। हमारे जामे मोती मस्जिद में इंशाल्लाह नज़ीस ईद की नमाज जो है वो सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी और इसी तरीके से ईदगाह में भी मरकज़ी ईदगाह में इंशाल्लाह नज़ीस वहाँ पर भी की 8 बजे ईद की नमाज अदा होगी। और सुनीत इस तरह है कि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 350 मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने माह सियाम के अंदर हमें रोज़े रखने की और तरावियाँ पढ़ने की और फिर खुशी के लिए तौर पर अल्लाह ने हमें ईद अता की है। दो ईदें इस्लाम में राइज हैं, एक ईद उल फितर
اور عید الاضحیٰ، تو سو ان شاء اللہ علیہ عید الفطر ہم ادا کر لیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے شریعت محمدی کے اندر اللہ میاں نے غریبوں کو بھی عید میں شامل کرنے کے لیے اللہ میاں نے یہ فطرہ کا نظام جو ہے رائج فرما دیا ہے، اور یہ واجب ہے ہر مسلمان پر. جی بہت شکریہ مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنا ان پٹ دیا، اپنا جو آپ کا ویو پوائنٹ تھا، نظریہ، وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ناظرین اب ہم چلتے ہیں جامعہ مسجد، مرکزی جامعہ مسجد گوجر خان، اور وہاں کے خطیب ہیں جناب مولانا شکیل احمد عطاری صاحب کے پاس. میں کے ٹو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے رمضان میں شادمان رمضان کے نام سے ٹرانسمیشن کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی انتظامیہ کو، جملہ احباب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور اب اگلی جو بات ہے فطرانے کے حوالے سے، تو فطرہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور یہ واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے دیا جائے اور عید کو جاتے ہوئے دیا جائے. اور اس میں خیال رکھا جائے کہ اپنی فیملی کے نادار مسکین لوگ ہیں، اگر ان کو دیں گے تو دو گنا اجر ملے گا، ایک تو اپنا واجب ادا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اس نے سلوک کی، یہ الگ سے اجر ملے گا. اور اب جو ہے عید الفطر کے حوالے سے، جو موجودہ جو کووڈ 19 کے حوالے سے صورتحال ہے، اس حوالے سے میں تمام سامعین کو کے ٹو ٹی وی کے حوالے جو ہے اس ریفرنس سے یہ آگاہ کرنا ضروری سمجھوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. تو یہاں پر ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید کی گہما گہمی میں، گیدرنگز میں، ملنے ملانے میں، ہم اپنی جان اور اپنے مسلمان، اپنے ریلیٹیوز، اپنے اعزاء و اقربا کی جانوں کے لیے خطرہ کا سبب نہ بن جائیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ عید میں زیادہ ملنے ملانے سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، اور ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. گورنمنٹ کے جو بھی قوانین ہیں شریعت کے تحت، الحمدللہ تو اس کو ہم نے. بہت شکریہ جناب مولانا شکیل احمد عطاری صاحب، آپ نے اپنا نظریہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے نا، تو اب اس طرف ایک کوشاں ہے، ہماری کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم ایس او پیز کو فالو کریں اور اس وبا سے جتنا بچ سکیں بچیں. ناظرین مولانا میر اشتیاق احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تو مولانا صاحب یہ بتائیے نا، اب یہ جو عید الفطر ہے ایک ہنگامی سی صورت حال ہے، عید الفطر ہے اور جی یہ ہے وہ ہے، گزر جائے گا، یہ عید کا دن ہے، وہ تو ہے، ایک سنت رسول ہے، ہم نے عید بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد جو صورت حال ہوگی سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، سب سے پہلا تصور تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ عید کسی ہلے گلے کا نام نہیں ہے، یہ ایک روحانی تسکین کا اور قلبی مسرت کا نام عید ہے. بیسیکلی جو سیلیبریشنز ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے رواج ایک دوسرے سے ویری کرتے ہیں. عرب میں اس کا طریقہ کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ حدود قیود متعین ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کبھی کوئی مشکل حالات ہوں تو جو عید کی خوشیاں ماند پڑ گئیں، نہیں، ان خوشیوں کا قطن سیلیبریشنز، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری ثقافت ہے. جو شرعی عید ہے اس کا تصور آپ کی قلبی اور ذہنی خوشی کے ساتھ ہے. وہ پہلے ایک پینلسٹ بات کر رہے تھے، اس کا تعلق آپ کی عبادت اور بندگی کی پرفارمنس کے ساتھ ہے. اگر آپ نے رمضان کو اچھے طریقے سے گزار لیا اس کے حقوق اور ایمان و احتساب کے ساتھ، تو آپ استحقاق رکھتے ہیں، پھر آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ عید کی خوشی منائیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ توفیق نہیں ملی اور وہ رمضان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، تو وہ ہزار نئے کپڑے پہنے، ہزار قسم کے وہ سیلیبریشن یا وہ کیا جشن منا، اس کو حقیقی خوشی میسر نہیں آ سکتی. پہلی تو یہ بات. اب اس وقت کی جو میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے یہاں پر، ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ گفتگو بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون صاحب؟ وعلیکم السلام ارباب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی کاشف بول رہا ہوں سرگودا سے. اچھا جی کاشف صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بڑے شوق سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں جی، بہت مزہ آتا ہے، اور ہفتے میں تین دن آپ کا پروگرام ہوتا ہے، پر یقین مانے جس دن نہیں ہوتا تو اس دن ہم بڑا آپ کو مس کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی محبت کا، بہت شکریہ. جی سر کیا جواب ہے آپ کے پاس ہمارے دوسرے سوال؟ سر مجھے میں نے موٹر سائیکل کے لیے جواب دینا ہے. جی 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 پلیز پلیز. جی جی سورۃ الالق. سورۃ الالق ٹھیک ہے جی، ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا. بس کچھ ہی دیر میں ہم جو ہے نا وہ ونر کا نام جو ہے اناؤنس کرنے والے ہیں، تو بس اسٹے ٹیون اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. تھینک یو جی. جی اشتیاق صاحب،
अच्छा सर, एक चीज़ और बहुत जो है ना कॉमन देखी गई है कि जो नमाज की जो औकात होते हैं, ठीक है, जोहर का जो है वो जवाल के वक्त है, मगरिब का जो है वो गुरूब के वक्त है, अमूमन बाकी जो नमाजें होती हैं उसका एक टाइम तायुन किया जाता है एक इलाके में, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत सारी अजानें सुनने में आती हैं, मतलब 5 मिनट के फ़र्क से या 10 मिनट या 15 मिनट के फ़र्क से। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे शहर में एक ही वक्त में अजान हो, जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात में होता है, सऊदी अरब में होता है? मैं पिछली बात का जो आखिरी सेंटेंस रहता है मैं उसको मुकम्मल करके इसकी, तो उसमें ये याद रखें कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें जो शरी खुशी है ना उसको पहले पेश नज़र रखना है, और फिर जो महरूम तबकात हैं उनको साथ शामिल कर लेना है, और इन हालात को भी पेश नज़र रखते हुए आगे किसी के लिए मज़ीद परेशानी का सबब नहीं बनना, खुशी का सबब बनना है। अब रह गया आपका सवाल, आपने मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाल दी और दीगर चंद स्टेट्स में ऐसे होता है, तो फिर तो ये स्टेट सब्जेक्ट हो गया ना, हमारा तो मसला ही नहीं है। पहली बात तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, ये तो स्टेट का जिम्मेदारी होगी कि वो सबको किसी कंसेंसस के ऊपर के साथ किसी एक नुक्ते पर जमा कर लें, जैसे SOPs के मामले में पिछले साल हुआ या दीगर कई एक चीज़ें, औकाफ है हमारे यहाँ, महकमे हैं बहुत सारे फंड्स हैं हमारे इन चीज़ों के लिए, तो वो कुछ ऐसा कर लें ना। अब अभी तक तो इस्लामाबाद के अंदर औकाफ ने एक कैलेंडर जारी किया था, दायमी कैलेंडर नमाजों का, तमाम मकातब फिक्र का मुश्तरिका, ये पिछली गवर्नमेंट की बात है, तो वो सिर्फ एक शहर के अंदर हम अप्लाई करने में नाकाम रहे। कुव्वत नाफ़िज़ा अरबाज़ भाई ना आपके पास है, यानी इन्फोर्समेंट की जो पावर है वो ना मेरे पास है, वो तो स्टेट के पास है ना, गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट के अंदर माजरत के साथ की जो तरजीहात होती हैं, प्रायोरिटीज़, वो इतनी अजीबोगरीब सी सूरत हाल होती है, किसी एक गवर्नमेंट की, किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट की बात हम नहीं कर रहे, मिन असल मजमू, तो हमारे यहाँ चूँकि ये बहुत आखिरी तरजीह है, लोग जितने तकसीम होते रहेंगे, अगेन माजरत के साथ, सियासतदानों स्टेक होल्डर्स का इसमें फ़ायदा रहता है, डिवाइड एंड रूल, वो जितने तकसीम रहे लोग वो उसमें खुश हैं, जिस दिन ऐसे हुक्मरान हमें मुयस्सर आ गए, और अल्लाह करे रमज़ान की इस मुकद्दस, आज की मुकद्दस शाम 29वीं रात भी है, शायद ये लैलतुल कदर हो, तो इस मुकद्दस वक्त में ये दुआ करते हैं अल्लाह पाकिस्तान को हकीकी रियासत मदीना बना दे, हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बना दे, उसमें ये हो सकता है कि जी एक ही तरह के टाइम पे हो, वैसे शरीयत में वुसअत मौजूद है, कहीं ये ना हो कि मैं खुद किसी फतवे की जद में आ जाऊं, कि शरीयत में ये वुसअत है कि जब जवाल हो गया, सूरज का पलटना शुरू हुआ, वो गुरूब की तरफ उसका सफ़र शुरू हुआ, वहाँ से लेकर एक ख़ास वक्त है, साया दो गुना होने तक जोहर का वक्त है, तो शरीयत मना नहीं करती उसमें आप किसी वक्त में भी पढ़ लें, लेकिन ये मसला शरी नहीं है, ये मसला इंतजामी है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, तो इसको जी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मैनेज किया जा सके, ऐसा भी एक सिस्टम लेकर आए कि हम हर चीज़ पर एक ही बात पर एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारा एक ही मुत्तफिकाना फैसला हो, चाहे वो नमाज का हो, ईद का हो, थोड़े से फायदे भी हैं। उस्ताद जाके नमाज पहले पढ़ाता है, शागिर्द बाद में पढ़ लेता है दूसरी मस्जिद में, दोनों को जमात मिल जाती है। चले जी, हम इस पर भी गुफ्तगू करते हैं और ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम रमजान शादमान में, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो कॉलर्स हमारे साथ आए थे प्रोग्राम में और जिन्होंने हमें जवाब दिए, तो मेरा ख्याल है कि अब हम बता देते हैं कि आज का जो हमारे जो बम्पर प्राइस के विनर हैं वो कौन है। तो जनाब जो बम्पर प्राइस है हमारे पास बाइक है, और ये हमें भेजी गई है हबीब केनोला, हबीब कुकिंग ऑयल एंड घी बनाने वालों की जानिब से, और इसके जो विनर हैं वो हैं काशिफ फ्रॉम सरगोधा। काशिफ आपने ये विन किया है। हाँ सॉरी, मैं पहले आपको जवाब बता दूँ, जो सवाल था कि कुरान पाक की सबसे पहली जो सूरत नाजिल की गई उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है सूरह अलक, और सही जवाब देने वाले हैं सरगोधा से काशिफ। तो काशिफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हबीब के नौला कुकिंग ऑयल की जानिब से आपको ये बाइक बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, जो कि हमने अभी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ उलमा हजरात के नज़रियात हमने लिए SOPs के हवाले से, ईद उल फितर के हवाले से और फितराने के हवाले से, तो यहाँ पर हमारे पास जामिया मस्जिद जेलम के खतीब हैं साहिबजादा अतीकुर रहमान साहब, तो चलकर उनका भी नज़रिया सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं KTU TV वालों का
शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में वक़्त दिया है और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और दूसरी बात कि ईद उल फितर के हवाले से हमारी जामे मस्जिद रमज़ानी शुमाली मोहल्ला में नमाज ईद उल फितर इंशाअल्लाह ताला 7:30 बजे अदा की जाएगी। नमाज ईद अदा करने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो नमाज ईद अदा करने के लिए तशरीफ़ लाएँ तो तकबीरें पढ़ते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तकबीरें पढ़ते हुए नमाज ईद अदा करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। SOPs का ख्याल रखें और मास्क पहन के आएँ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, साहबंदी जब करें तो 6 फिट का फासला जो है वो ज़रूर रखें, फासला रखें, सफ़े बनाएँ। और सदक़ा फितर इसके हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि नमाज ईद अदा करने से पहले सदक़ा फितर अदा करना ये वाजिब है। अगर सदक़ा फितर अदा ना किया जाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, अल्लाह तक पहुँचते नहीं हैं जब तक वो सदक़ा फितर अदा नहीं कर लेता। जी बहुत शुक्रिया आपके इन कलमात का। नाज़रीन अब हम चलते हैं जामे मस्जिद धरीपुर और जहां पर हमारे साथ हैं खतीब मौलाना ज़िया रहमान फारूकी साहब। सबसे पहले तो आने वाले दिनों में ईद का दिन है, हमारे यहाँ इंशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ ठीक 7 बजे अदा की जाएगी। जो हजरात हमारे साथ ईद की नमाज़ अदा करना चाहें वो 6:35-6:40 तक मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लें ताकि बरवक्त नमाज अपने वक्त पर अदा हो सके। इसके अलावा एक ख़ास पैगाम, जैसा कि आप हजरात के इलम में है कि ये दिन वबा के दिन हैं, ये दिन कोरोना मूजी मरज ये वायरस के दिन हैं। इन दिनों के अंदर बहुत से लोग हमने अपने इर्द गिर्द भी देखे, अपनी आँखों से भी देखे, जो लोग इस मर्ज़ के अंदर मुबतला होकर इंतकाल कर गए, शहादत पा गए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मर्ज़ का अभी तक सामना कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारी बहुत सी आवाम ऐसी है जो अभी तक इस मर्ज़ को मानने पर राज़ी ही नहीं है, वो इस मर्ज़ को कोरोना वायरस को मानना ही नहीं चाहते। तो मैं आप हजरात से अपील करूंगा कि हमारे देखते देखते कई लोगों का इंतकाल हो चुका, कई लोग अभी तक इस मर्ज़ के अंदर मुबतला हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि सरकारी अहकाम के मुताबिक जो SOPs हमें कही गई हैं उनकी पाबंदी की जाए, अपने हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंस, इस तरह मास्क वगैरह की पाबंदी करना, ये इंतहाई एक ज़रूरी अमर है। ये मर्ज़ के अंदर ये एहतियातें हम पर शरी तौर पर भी फ़र्ज़ हैं, अगर हम एहतियात नहीं करते हमें ख़ुद भी मर्ज़ लगेगा और लोगों की मर्ज़ का भी बायस बनेंगे। सबसे पहले तो मैं आवाम से ये अपील करूँगा खुदा के लिए इसको संजीदा लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी आप सब हजरात का कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, आपने बहुत मुफीद हमें मशवरे दिए। और मैं एक मरतबा फिर अपनी आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि ये अब आप पर मुनसर है कि खुदा रा आपने ख़ुद भी इन SOPs पर अमल करना है, अपने आप को भी इस वबा से बचाना है और दूसरों को भी। मौलाना मीर इजहार अहमद साहब, इश्तियाक अहमद साहब, सॉरी सर, अभी जिस तरह ये बात हो रही है, मैंने शुरू में भी कहा कि रमज़ान मुबारक भी है और ऑलरेडी इतनी जो एक डिप्रेशन चल रहा है कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से, अब जो फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तो कल मैं देख रहा था कि तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अर्दोगान साहब ने, उन्होंने एक मैसेज दिया और बड़ा अच्छा लगा। तो क्या ख्याल है सर, अब क्या करें, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारे अपने बस में ऐसा कुछ है नहीं, और रमज़ान और मुबारक का महीना और इतनी मुकद्दस रात में बैतुल मक़द्दस में वो इबादत कर रहे थे वो निहत्ते लोग और उन पर जिस तरह जुल्म किया गया, क्या कहेंगे? अल्लाह आपको अजर दे अरबाज़ भाई, बड़ी हिम्मत की बात होती है कि इंटरनेशनल इस तरह के इशूज़, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक उम्मा के साथ है, उनके ऊपर उन इशूज़ पर इस तरह से लाइव किसी प्रोग्राम में बात करना, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुश्किल होता है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, आपने तैयब अर्दोगान की मिसाल दी, अल्लाह पाक कम से कम उस जितनी हिम्मत सारी उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों को, हमारे वजीर आजम ने भी कहा है, मज़म्मत की है जी, मैं आगे चलता हूँ, हमारे वजीर आजम साहब ने कश्मीर इशू पर बाकी चीज़ों पर कंडेम किया, ट्वीट किया उन्होंने जी, बात करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये असल चीज़ कहाँ है, फलस्तीनी बेसिकली अरबी लोग हैं, वो अरबी नस्ल है, वहाँ की ज़ुबान अरबी है, कल्चर आपने उनकी आवाज़ें सुनी होंगी, कल्चर अरबी है। जब तक आलम में अरब, देखें पाकिस्तान का तो एक बड़ा वाज़े स्टैंड है जी, मैं उसको अलग करके बात करना चाह रहा था, यानी सिर्फ तनकीद नहीं थी। तुर्की के वज़ीर आज़म ने जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान का मौकफ कमज़ोर भी हो तो एक स्टेट का मौकफ है जो 50-70 सालों से है, वो ये है कि हमने आज तक इसराइल को एज अ स्टेट तस्लीम नहीं किया, ये वाहिद हमारा ये चंद एक और ममालक है। बाकी ये सारे अरब ममालक जिनकी जंगें हुई हैं इसराइल के साथ और जिनकी शहरग पे इसराइल बैठा हुआ है, वो इसराइल को तस्लीम करके बैठे हुए हैं साहब। यहाँ एक तो हमारी स्टेट्स जो मुस्लिम स्टेट्स हैं 56-57, वो किस मर्द की दुआ हैं, वो सिर्फ सोना उगाने के लिए और पेट्रोल बेचने के लिए रह गई हैं, उनका काम है नंबर वन। नंबर दो OIC सर, वो डिबेटिंग क्लब बन के रह गया ना, हमारा एक फोरम है बैन अल-अक़वामी, OIC को यहाँ अपना किरदार अदा करना चाहिए। और हम अपनी हुकूमत से बहसियत मुसलमान जज्बात हैं जी, जब तक मुसलमान नबी पाक ने कि मुसलमान कौम एक जिस्म की मानद है, जसद वाहद की मानद है, जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ हो पूरा बदन बेकरार हो जाता है। अगर अरबाज भाई मैं और आप ये तकलीफ महसूस नहीं करते फलस्तीनियों की, कश्मीरियों की और खासतौर पर आजकल बैतुल मकदस वालों की, तो हमारा ईमान कामिल नहीं है। बिल्कुल, तो उसको हम महसूस करके अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर इस मसला आपने बिल्कुल बजा फरमाया। हर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि आप अगर बुराई को देखकर उसे हाथ से ही नहीं रोक सकते, जुबान से रोके नहीं तो कम से कम दिल से बुरा जाने, लेकिन ये ईमान की एक बहुत कमजोर एक सतह है। बहरहाल हमारी दुआएं हैं और हमारा दिल जो है ना वाकई खून के आंसू रो रहा है उन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ और कश्मीर के जो मुसलमान हैं निहत्ते उनके साथ जिस तरह का ये जुल्म हो रहा है। बहरहाल हम फिर यही कहते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में कि अल्लाह ताला तू बड़ा गफूर है, तू रहीम है, हम बेबस हैं, बेकस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, खतावार हैं, गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं, हमारा आसरा सिर्फ तू है। इस रमज़ान और मुबारक के सदक़े अपने हबीब पाक के सदक़े हम पर रहम फरमा और इन मुसीबतों से हमें निजात दिला दे। आज का ये प्रोग्राम है, इसका वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका सर बहुत शुक्रिया, आप आए और आपके साथ बहुत हमने मुफीद बातें की, हमारे नाज़रीन को बहुत यकीनन इस्तेफादा हुआ होगा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी चैनल पर इसी टाइम मुलाकात होगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का और आवाज़ होगी फ़ाइज़ा की। नसीबा वाले आनु यार दे दीदार हुंदे ने तड़प देने जो अज यारो दरबार हुंदे ने गुनाहगारां यतीमाली दिने राती दुआ करनी गुनाह ज़हीर
شہدِ امتحان دا جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمت گا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یا نصیباں